गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं रेखा गुप्ता। मैं आज आपको चाचार का हिंदी प्रेम बुक पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ पाँच का मैं बच्चों आप लोग को कविता पढ़ना है, जिसका शीर्षक है हमें देश तो लगता है जैसे। बच्चों ये कविता बहुत ही सुंदर है। इस कविता के माध्यम से कवि हम लोग को अनेकता में एकता, भाईचारे को समझना, त्योहारों को मिलजुल कर मनाने की भावना को समझाया है। बच्चों भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग आपस में परस्पर प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के साथ रहते हैं और एक दूसरे की मजहब, धर्म, त्योहार, परंपरा तथा भाषा का आदर करते हैं। यही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, जो कि अपने आप में अद्वितीय और अलौकिक है। बच्चों भारत विश्व में सबसे अधिक पर्व मनाने वाला देश है। इसीलिए कहा जाता है कि साल में 365 दिन होते हैं और यहाँ 366 त्यौहार मनाया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम कविता की शुरुआत करते हैं एक नज़र शब्द पिटारा पर। शाक मतलब डाल, त्योहारों पर फुलझड़ियाँ एक प्रकार की आतिशबाजी जिसके जलाने पर फूल की तरह चिंगारियाँ निकलती हैं। हमें देश तो लगता जैसे वृक्ष बड़ा हो प्यारा प्यारा, शाक शाक पर त्योहारों का ढेर सजा हो प्यारा। बच्चों यहाँ कवि अपना देश की तुलना बड़ा वृक्ष से कर रहे हैं। साख साख पर त्योहारों का ढेर सजा हो प्यारा प्यारा, यहाँ साख साख पर डाल डाल पर टहनी त्योहारों का मेला लगा हुआ है। तभी तो कहा जाता है कि भारत पर्वों का देश है, त्योहारों का देश है। उधर साख पर लगता जैसे छूट रही फुलझड़ियाँ, अरे अरे दिवाली जैसी दीप लिए खुश दिखती थी। यहाँ पर बच्चों फुलझड़ियाँ कितनी, यहाँ दिवाली का दृश्य उपस्थित है। यहाँ दिवाली के बारे में बच्चों को बताया गया है, दीप लिए खुश दिखती। हाँ उधर हुआ साख भी देखो कैसे हिलमिल डोल रही है, ईद मिलन के मीठे मीठे बोल वजह से भूल रही है। अब ईद मिलन के, ईद में लोग गले मिलते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। और बच्चे बताइए आपका कौन सा आपको त्यौहार पसंद है। हर बच्चे को अपना त्यौहार बहुत ही पसंद होता है, कोई कोई त्यौहार बहुत फेवरेट होता है। आप बताइए ईद में कौन सा पकवान बनता है। ईद में मीठी सेवैयाँ बनती हैं। अब साख वह उधर की देखे उस पर भी त्यौहार सजे, क्रिसमस ओणम गुरु पर्व के लगता जैसे फूल सजे। इधर क्रिसमस ओणम गुरु पर्व के जैसे पर्व के बारे में भी यहाँ बताया गया है। क्रिसमस ईसाई धर्म का महान त्यौहार है जो प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ओणम 10 दिन तक चलने वाला केरल का एक महान त्यौहार है। गुरु पर्व सिख धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। अगर वृक्ष है देश हमारा तो सींचेंगे जान रहा, नहीं कसर छोड़ेंगे कोई अब छोड़ेंगे इसे बढ़ाकर। अगर वृक्ष हमारा देश है तो हम इसकी सेवा करेंगे, इसे सींचेंगे, कोई भी कमी कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे अपने देश को आगे बढ़ाने के खातिर। इस तो लगता है जैसे, पेज नंबर 45 पर आइए। बच्चों सबसे पहले आप कविता की 10 पंक्तियाँ कम से कम, अगर पूरा हो सके तो बहुत अच्छी बात है, जरूर याद करें। इस कविता के कवि हैं दिविक रमेश। तो बच्चों सबसे पहले आते हैं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि को देश किसके समान लगता है? बच्चों आप भी मेरे साथ नोट करें। कवि को देश बड़ा वृक्ष के समान लगता है। क्वेश्चन नंबर ख, कविता में कितने त्योहारों के नाम बताए हैं?
उत्तर, कविता में पांच त्योहारों के नाम आए हैं। क्वेश्चन नंबर वन, फुलझड़ियों का संबंध किस त्योहार से है? उत्तर, फुलझड़ियों का संबंध दिवाली त्योहार से है। घ, कविता में ऐसा कौन सा त्योहार है जिस पर लोग गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं? उत्तर, ईद में लोग गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। क्वेश्चन नंबर क, हमारा देश अगर पेड़ है तो उसकी डाल डाल पर क्या सजे हैं? उत्तर, उसकी डाल डाल पर त्योहारों का ढेर सजे हैं। क्वेश्चन नंबर ख, हिल मिलकर हिलती डुलती साख किस त्योहार के बारे में बता रही है? उत्तर, दिवाली त्योहार के बारे में बता रही है। क्वेश्चन नंबर ग, देश रूपी पेड़ की डाल पर किनके फूल खिले हैं? उत्तर, त्योहारों के फूल खिले हैं। क्वेश्चन नंबर घ, देश रूपी पेड़ की जड़ को कैसे सींचा जाएगा? उत्तर, देश रूपी पेड़ की जड़ को जान लगाकर सींचा जाएगा। अब प्रश्न फोर पर आइए, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो तीन वाक्यों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर क, कवि ने राष्ट्र रूपी पेड़ की पहली शाख पर कौन से पर्व की कल्पना की है और कैसे? कवि ने राष्ट्र रूपी पेड़ की पहली शाख पर दिवाली पर्व की कल्पना की है कि डाल पर फुलझड़ियों को छूटने और दीप लिए साख हिल मिलकर हिलती डुलती दिखती है। क्वेश्चन नंबर ख, ईद कैसे मनाते हैं पता लगा कर लिखिए। बच्चों, ईद में लोग गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। क्वेश्चन नंबर ग, क्रिसमस ओनम गुरु पर्व आदि त्योहारों के बारे में संक्षेप में बताइए। उत्तर, क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार है, यह प्रति वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ओनम, ओनम 10 दिन तक चलने वाला केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। गुरु पर्व, गुरु पर्व सिख धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर घ, भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? भारत को त्योहारों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे अधिक त्योहार मनाया जाता है। लेखनी से कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। हमें देश तो लगता जैसे, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, वृक्ष बड़ा हो प्यारा प्यारा, साख साख पर त्योहारों का ढेर सजा हो प्यारा प्यारा, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, हाँ उधर वह साख भी देखो कैसे हिलमिल डोल रही है, यहाँ खाली जगह है बच्चों, ईद मिलन के मीठे मीठे आपको भरना है, बोल वजह से बोल रही है, इसलिए आप कम से कम 10 पंक्तियाँ जरूर याद करें। पीटीओ, त्योहारों से जुड़ी वस्तुओं को उनके नाम त्योहारों के नाम से मिलाइए। फर्स्ट पिक्चर में गुलाल पिचकारी गुजिया है बच्चों, आप उसको होली से मिलान करें। नंबर टू पिक्चर को रेवड़ी है, तिल है, लोहड़ी से मिलान करें। नंबर थर्ड पिक्चर राखी और मिठाई का है, रक्षाबंधन से मिलान करें। नंबर फोर में दिया और मोमबत्ती है, इसको दीपावली से मिलान करें। नंबर फाइव पिक्चर को दशहरा से मिलान करें। नंबर सिक्स को ईद से मिलाइए और लास्ट अंतिम क्रिसमस ट्री को आप क्रिसमस से मिलाइए। भाषा और व्याकरण, उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। यहाँ वृक्ष पेड़ तरु ये लिखा हुआ है। अब त्योहार, त्योहार के दो पर्यायवाची शब्द, पर्व जलसा, प्यारा दुलारा प्रिय,
फूल पुष्प सुमन राष्ट्र देश मूल देश राष्ट्र वतन साग डाल टहनी। नंबर टू क्वेश्चन, र और ढर से बनने वाले पांच पांच शब्द लिखिए। र सड़क लड़ाई पेड़ सीढ़ियां धड़कन। ढ पढ़ाई कढ़ाई चढ़ाई ढोलक और ढक्कन। बच्चों री एक मात्रा है जिसे वर्ण विच्छेद करते समय री रूप में ही लिखना चाहिए, र के रूप में नहीं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, उदाहरण के अनुसार री और छ से बने शब्दों को वर्ण विच्छेद कीजिए। यहाँ ऋण और वृक्ष का दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में। अब इस शब्द पर आते हैं तृण, अब इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे। त में हलंत हलचिन का प्रयोग किया गया है प्लस री, जैसा कि मैं पहले भी बोली हूँ कि री को री ही रूप में लिखना है। प्लस न हलचिन का प्रयोग किया गया है प्लस अ तृण ऋषभ। री प्लस मूर्धन स हलंत प्लस अ प्लस भ, भ में हलचिन का प्रयोग किया गया है प्लस अ ऋषभ। पृथ्वी प, प में हलचिन का प्रयोग किया गया है प्लस री प्लस थ, थ में भी हलचिन का प्रयोग किया गया है प्लस व प्लस दीर्घई ई। रक्षा र हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस स हलंत प्लस आ रक्षा। क्षमा क हलंत प्लस स हलंत प्लस अ प्लस म प्लस आ क्षमा।